कृपा नहीं मोसे गरीब करो परे। नहीं मोसे गरीब करो परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा नहीं मोसे गरीब करो परे। नहीं मोसे गरीब करो परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा, जोग जिते इन्हीं के प्रसाद, जोग जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। इन्हीं के प्रसाद सोदान करे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा नहीं मोसे गरीब करो परे। नहीं मोसे गरीब करो परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा, अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रकार इन्हीं की कृपा पुन धाम परे। इन्हीं की कृपा फुन ताम परे, अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, अग औग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन ताम परे। इन्हीं की कृपा फुन ताम परे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं। इन्हीं की कृपा नहीं मोसे गरीब करोर परे।
से गरीब करोर परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालय इन्हीं की कृपा सब सतर मरे। इन्हीं की कृपा सब सतर मरे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा। नहीं मोसे गरीब करोर परे नहीं मोसे गरीब करोर परे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं इन्हीं की कृपा। इन्हीं की कृपा इन्हीं की कृपा इन्हीं की कृपा। दसवें पिता ना जगत ते आंदे राज हुंदा मुगलां दा दसवें पिता ना जगत ते जे आंदे राज हुंदा मुगलां दा दसवें पिता ना जगत ते जिउंदे राज हुंदा मुगलां दा दसवें पिता ना जगत ते जे ओ राज हुंदा मुगलां दा राज हुंदा जी मुगलां दा राज हुंदा जी मुगलां दा दसवें पिता ना जगत ते जे आंदे राज हुंदा मुगलां दा पिता ना जगत ते जे आंदे
ਰਾਜੂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਗ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰੈ ਲਾਖ 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 ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੈ ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੈ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ ਜਿਉਂ ਚਾਖ ਗੁੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ਵਰ ਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ
ना कोई होया ते नहीं कोई होवे, ना कोई होया ते ना कोई होवे। ना कोई होया ते ना कोई होवे, पिता दशमेश्वर गा। ना कोई होया ते ना कोई होवे, पिता दशमेश्वर गा। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारता पुत्र चारे वारे ने, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारता पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। सिखा तेरी जी शान बदले, सिखा तेरी हो शान बदले। पिता वारिया पुत्र चारे वारे, पुत्र चारे वारते, सिखा तेरी शान बदले। वारिया पुत्र चारे वारे, सिखा तेरी शान बदले। हाँ जी इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या जीवन कई हजार। पूरा प्रव्या राधिया पूरा जाका नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਰਦ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭਾਈ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ। ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਉਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ, ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਉਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ, 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 ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ, ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ ਲੱਖ 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 ਬਰੀਆ, ਜਿਨ ਪਰਮ ਪਰਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰੇ, ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਹੀ ਨਿਕਾਣੀ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨਾ ਪਹੀ ਅਮੋਲੀ ਪਾਰਾ ਤੋਲੀ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਉ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ, ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ, ਨਾ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਾਰੀ ਵਨਿਆ ਖੋਲੀ ਵਨਿਆ,
हा तू पर्वत मेरा भोला वारी वन्या खोली वारी वन्या खोली वन्या पर्वत मेरा होला वारी वन्या हवारी वन्या खोली वन्या सर संगत जितने भी आपां सतगुरु जी की पवित्र हजूरी विच बैठे हाँ अपने सभना के अत्यंत वड्डे भाग ने जो आपां नूं तख्त अबचल नगर सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ जिथे साहिब गुरु कलगीधर पातशाह ने अपनी विचित्र जीवन यात्रा संपूर्ण की उस पावन पवित्र स्थान दियां हाजरियां भरन का अवसर प्राप्त है। सतगुरु जी दे अनन उन्हां दे प्यारे भाई दया सिंह जी की सालाना याद उन्हां दी बरसी उन्हां दा समाउण दा दिहाड़ा जो सत्कारयोग सिंह साहिब जी बाबा कुलवंत सिंह जी उन्हां दी प्रेरणा दे नाल समुची राड़ा साहिब दी संगत ने इसे मनाना शुरू किया है। इन्होंने बहुत वड्डा उपकार किया साढ़े उपर सानू इस पावन पवित्र स्थान दे नाल जोड़न वास्ते यह ऐसी प्रेरणा बख्शी। हर साल आपां सतगुरु जी की गोद विच बैठ के इत्थे आनंद माणदे हाँ या अपने सेवकां नूं निवाजदे ने माण दिंदे हन। अज भी अपने सेवकां नूं आशीर्वाद देण वास्ते संगत दे विच सुशोभित ने। सो बाबाणियां कहानियां करन वास्ते आपां इत्थे सतगुरु जी दी चरण शरण विच आए हाँ। जो हरदासन की उस्तत है सा हर की वड्याई वो सार संग जिहड़े परमात्मा दे अकाल पुरख वाहिगुरु दे सेवक हुंदे ने अकाल पुरख वाहिगुरु दे दास होया करदे हन उन्हां दी वड्याई ही दरअसल अकाल पुरख वाहिगुरु दी उपमा है। इस तरह जिहड़े सतगुरु जी दे दरों घरों वरोसाए उन्हां दे प्यारे भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी जैसे उन्हां दी सिफत कर दिती जावे सरबंस दानी साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी दी सिफत उहदे विच ही आ जांदी है। भाई दया सिंह जी दे पवित्र जीवन बाबत आपां कल विचार शुरू की सी जिन्हां ने अपना समुचा जीवन सतगुरु जी नूं समर्पित कर दिता। धन गुरु कलगीधर पातशाह ने
फिर आप नवाजिया कितना वड्डा माण दिता। वो माण भावें बतौर पंजा प्यारियां दे मुखी होण वजो होवे और भावें सतगुरु जी ने उन्हां दी विशेष करके चोण कीती उदों जदों आपने हिंदुस्तान दे बादशाह औरंगजेब नूं जफरनामा फतेह दी चिट्ठी भेजनी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वो ते अपना सरबंस वार के अपनी जिंदगी दे आखरी दिनां दे विच जफरनामे लिख रहे ने। और हिंदुस्तान का चक्रवर्ती बादशाह अपनी जिंदगी दे आखरी दिनां दे विच पश्चाताप दी अग विच सड़ रहा है। जो सतगुरु जी ने दीने कांगड़ तो बादशाह औरंगजेब नूं खत लिखिया जिदे विच सतगुरु जी ने बादशाह नूं बड़ियां फिटकारां भी पाईआं कि ऐ बादशाह कि तेरे विच बड़ियां सिफतां हो सकदियां ने, तू उच्च कोटी दा विद्वान हो सकता है, तेन इस गल का माण हो सकता है कि मैं ते कुरान शरीफ लिख के बाण बट के अपना निर्वाह करता हाँ, तू शास्त्र विद्या विच प्रवीण हो सकता है, तेरे विच होर बड़ियां सिफतां हो सकदियां ने, पर तेरी शख्सियत दे विच इक बहुत वड्डा दोष यह है कि तू बेईमान है, ना तेरा रब दे उपर कोई यकीन है, ना तेरा अपने पैगंबर दे उपर कोई भरोसा है। जिहड़ा कुरान दी सुगंध खा के अपने वायदे तो मुनकर हो सकता है, ना अपने आप नूं सच्चा मुसलमान कहा सकता है, ना अपने आप नूं पैगंबर दा पैरोकार कहा सकता है, तो दगेबाजी दे नाल धोखे दे नाल सानूं आनंदपुर छड्डण ते मजबूर कर दिता। जो कुछ तैं जिंदगी दे विच हासिल कीता सिर्फ दगेबाजी दे नाल, फरेब दे नाल, धोखे दे नाल, तुरा तुरकता दी बा मकरो रिया। पर ऐ बादशाह साडी जिंदगी दा राज सच्चाई है, साडी जिंदगी दा राज सफाई है, मरा चारा साजी बा सिदको सफा। तैं सुनिया होवेगा कि किसी के सिर ते हुमां दा साया होवे कां उसका कुछ नहीं विगाड़ सकते। ए बादशाह साढ़े सिर ते अकाल पुरख वाहिगुरु रूपी हुमां दा साया है, फिर तेरे वर्गे कां दी की जरूरत है कि साडा वाल भी विंगा कर सके। हुमां राख से साया आयद बजेर, बरो दस्त दार्द ना जागे दलेर। जिदे सिर ते उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु दा हथ होवे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै, बोल ना जाने माया मदमाता मरना चीत ना आवे। जा तू मेरे वल है ता क्या मोहछंदा, साडे वल अकाल पुरख वाहिगुरु है,
तेरी 10 लाख की गिणती दे विच फौज जिसने चमकौर की गढ़ी नूं घेर लिया, उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू तेरे 10 लाख के घेरे विचों भी सही सलामत कढ लिया। जा तू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुध सब किच मैनों सौंपया, जा तेरा बंदा जिदे वल होवे सार संगत अकाल पुरख वाहिगुरु, फिर उसनों दुनिया की कड़ी शक्ति हरा सकती है। नित जपिया सास गिरास नाव परवतगार दा, जिसनों करे रहम तिसना विसार दा, सब कुछ जाने जान बुझ विचार दा, आप उपावन हार आपे ही मार दा, जिसनों लाए सच तिसै उधार दा, जिस दे होवे वल सो कदे ना हार दा, सदा भग दी बाण है हौं तिस नमस्कार दा, वो ता कदे भी ना हारदा, जिदे हो जै वल वो ता कदे भी ना हारदा, जिदे हो जै वल ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜੈ ਵੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜੈ ਵੱਲ ਵਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜੈ ਵੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਜੈ ਵੱਲ ਸਰ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ,
पर उन्होंने बाजी अखीर जित ली धर्म की रक्षा वास्ते, जिस मनोरथ वास्ते उन्होंने अकाल पुरख वाहगुरु ने भेजा सी ना कि मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ पर चुर करबे को साजा, जाए तहां ते धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए। जिस मनोरथ वास्ते वो आए सन इस मात लोक ते, हमें काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। उस धर्म की रक्षा करके, धर्म नू प्रफुल्लित करके, धर्म की बुनियाद मजबूत करके, और जिहड़े धर्म के विरोधी जालम सन उन्होंने जड़ां हिला के सतगुरु जी ने फिर अपनी जीवन यात्रा संपूर्ण करने वास्ते तैयारी की। देखो हिंदुस्तान के बारशां नू सतगुरु जी ने अपना संदेश भेजना है, उहदे वास्ते आपने सब तो महफूज हथ देखे अपने अनन अपने प्यारे भाई दया सिंह जी दे। बहुत बार आपने प्रसंग सुनिया होगा कि भाई दया सिंह जी फिर बादशाह औरंगजेब के पास जफरनामा लैके पहुँचे। जो औरंगजेब ने उस सतगुरु जी का खत पढ़िया, इस दे अंदरले पाप कंब उठे, इसनू पश्चाताप होया, इसनू अपनी भुल का अपनी गलती का एहसास होया, पर हुण पल्ले केवल पश्चाताप ही सी। इसने जवाबी खत भी भेजिया कि महाराज एक बार मैनू आके दक्खण विच मिलो। सतगुरु जी ने तो उसनू निमंत्रण दिता सी ना कि मैनू मालवे देश विच आके मिल, पूरी बैराड कौम इत्थे मेरी सेवक है, तेरी पूरी हिफाजत होवेगी। पर औरंगजेब ने अपनी मजबूरी दसी कि महाराज मैं बुढ़ा हाँ, बीमार हाँ, इतना लम्मा पेंडा तय करके आप दे पास नहीं पहुँच सकता, आप एक बार आके मैनू दक्षण विच मिलो, मैं इंसाफ करांगा। ओड़ कुछ नूं अपनी गलती का अपनी भुल का एहसास होया, पर सार संगत सतगुरु जी का मिलाप उसके भागों में है ही नहीं सी। सतगुरु जी चल भी पे, पर रस्ते विच ही आपनू खबर मिली कि औरंगजेब तो इस जहान तो कूच कर गया है। खैर इतिहास है जिहड़ी विचार आपां कर रहे हाँ कि सतगुरु जी ने औरंगजेब नू अपना संदेश भेजना है, आपने सब तो महफूज हथ देखे भाई दया सिंह जी दे उन्हां दे पास संदेश भेजिया। वो तो दुनिया का बादशाह है, बादशाह जिहड़ी चीज़ की किसी पास बहुतात होवे उसनू उसका शाह कह दिता जाता है। जिहड़े दुनिया के राजे महाराजे उन्हां दे पास किहड़ी चीज़ की ज्यादती हुंदी है, बाद नाम है झगड़िया का, वो होंदे ने लड़ाइया के झगड़िया के शाह। ਰਗੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਖਪਾਏ ਜਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਖਪਾਏਗਾ। ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹਿ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰ ਤੇ ਦਿਵਾਜਾ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਹਾਨਾਨ ਪਹਾਣ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ? ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਾਜਾ, ਉੱਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਕੋਈ ਹਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਾਜਾ, ਉੱਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਉੱਠੇ ਰਾਜੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ।
कोई हरी दे समान नहीं हो राजा समान नहीं हो राजा उठे राज चार रोज दे कोई हरी दे समान नहीं हो राजा उठे राज चार रोज दे सार संघ सतगुरु जी ने फिर जदों इत्थे आके अपने विचित्र जीवन दे आखरी कौतक वरताए अखीर संगतां नूं आपने संसार दी नाशवानता दा उपदेश दृढ़ करवाना शुरू कर दिता कि खालसा जी इह संसार सदा रहण दी थां नहीं काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। संसार ते वड्डे वड्डे ऋषि मुनि पीर पैगंबर अवतार औलिया ही इन्ने कोई तुर गए ने जिन्हां दी कोई गिणती नहीं कर सकता। एक शिव भए एक गए एक फेर भए वो सार संगत कोई वड्डी मिसाल दित्ती जावे ना फिर किसी छोटी मोटी मिसाल की जरूरत ही नहीं पैंदी। आम कहावत है कहिंदे हाथी की पैड़ दे विच सारी जानवरां दीआं पैड़ां आ जांदीआं ने। इत्थे सतगुरु जी ने वड्डियां वड्डियां उदाहरणां दित्तियां एक शिव पए एक गए एक फेर पए राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते वेद आओ पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिते हैं। कुमार कैसे अंसा अवतार कैसे काल मस पे है। पैकंबर के ते गने ना वरते ते भूम ही ते होए के फिर भूम ही मिले है। सार संघ जदों सतगुरु जी ने इस तरह दा संगतां नूं संसार दी नाशवानता वाला उपदेश दृढ़ करवाना शुरू कर दिता फिर भाई दया सिंह जी ने यह जान के कि सतगुरु जी दे हुण तैयारे ने सचखंड जाण दे आपने इस गल नूं अनुभव करदिआं कि जिस प्यारे सिउं नेहों तिस आगै मर चलीऐ त्रिग जीवन संसार ताकै पाछै जीवन इकारा जीवना बाज प्यारे आपने कादा जीवना बाज प्यारे आपने
ਸਾਡਾ ਜੀਵਣਾ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਣਾ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ 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 ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਣਾ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਣਾ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਚਾਦਰਾ ਤਾਣ ਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਕੁੰਜ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਉਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਗੱਲ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰ ਸੰਘ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਏ।
सतगुरु जी के चरणों च हाजिर होए नमस्कार की सच्चे पातशाह सेवक वास्ते की आग्या है। सतगुरु जी कह लगे दया सिंह जी पहला तो यूं दसो बिना मेले क्यों चले गए। गरीब नवाज अकाल पुरख वाहेगुरु का सद्दा आ गया। सतगुरु जी कह लगे ठीक है तो सारिया ही आना है घर घर यो पहुंचा सदड़े नित पवन सानू भी आने ही वाला है कि असी तो थोड़े पास अपने मित्र प्यारे अकाल पुरख वाहेगुरु वास्ते कोई संदेश भेजना सी। सर संगत उस वेले धन गुरु कलगीधर पातशाह ने ओह ही शब्द जिहड़ा किसी वेले आपने माछीवाड़े दे जंगलों में उचारण किया सी। यार करो मंजर सतगुरु जी जदों माछीवाड़े दे जंगलों में पहुँचे नाल कोई सेवादार नहीं ना चरण च जोड़ा है ना पास दल शिंगार घोड़ा है ना हथ ते बाज है ना सीस ते ताज है चरणा च छाले ने जामा लीरो लीर है जमीन उपर सत्थर विछा के लम्मे पए ने सराहणे मिट्टी दी टिंड है जिस बिरछ हेठ पए ने उस बिरछ तो त्रिवेल दीआं बूंदां टपक रहीआं ने सतगुरु जी दे मुखार बिंद ते पै रहीआं हन। उस सार संगत सतगुरु जी ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी रज़ा दे विच ने पर गैबी शक्तियां हाजिर हो गईआं। बेनती कीती गरीब नवाज आप ते कोई संकल्प दे नाल ये जुल्म राज दीआं जड़ां पुट सकदे हो आप समर्थ हो के अपने शरीर के उपर इतने कष्ट सहार रहे हो सानू हुक्म करो। पर साहिब गुरु कलगीधर पातशाह कहणगे भी असी ते अपने गुरु पीरां अपने बजुर्गों के पासों एहो कुछ सिखिया है कि तिसका किया सब प्रवान गुरप्रसार नानक एहो जान। इस दे परमात्मा नूं अकाल पुरख वाहिगुरू नूं अपना मित्र प्यारा समझ लिया है। वह साडा मित्र है मित्र हमेशा मित्र की बेहतरी ही करता है इस करके जो भी कर रहा है वह सानू खिड़े मत्थे प्रवान है। मीत करै सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना। उन्होंने फिर बेनती की गरीब नवाज साढ़े लाए कोई होर सेवा। सतगुरु जी कह लगे भी जे सेवा करनी है साढ़े मित्र प्यारे अकाल पुरख वाहेगुरु नूं साडा ये संदेश पहुँचा दिओ भी जे अकाल पुरख वाहेगुरु नूं मंजूर ही इउं है फिर मैनू भी अपना सरबन सवार के जमीन उपर सत्थर विछा के टिंड दा सिरहाणा ला के लेटण दे विच कोई रंज नहीं कोई गिला नहीं अपने मालक दे उपर उलाह नूं मैं काहूं ना दियो मन मीठ तुहारो कियो। मैं इस हालत विच भी प्रसन्न हाँ हर का नाम हृदय नित ध्याई संगी साथी सकल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंग। फिर सार संगत अपने मित्र प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरु वास्ते उन्हें गैबी शक्तियों के हथ जिहड़ा आपने संदेश भेजिया उस वेले माछीवाड़े के जंगलों में किसी वेले आपने शब्द उचारण किया सी अज दोबारा फिर वो ही शब्द उचारण करते हैं अपने मालक अपने मित्र प्यारे अकाल पुरख वाहिगुरु वास्ते ये संदेश भेज रहे ने भाई दया सिंह जी के हथ। फिर आपने वो ही शब्द उचारण किया मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा का कहना तुद बिन रोग रजाइया का उड़न नाग निवासा दे रहना सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइया का सहना
यारड़े दा सानू सत्र चंगा पठ खेड़ियां दा रहना हाल मुरीदा दा कहना हाल मुरीदा दा कहना हाल मुरीदा दा कहना हाल मुरीदा दा कहना हाल मुरीदा ना कहना हाल मुरीदा ना हाल मुरीदा ना कहना हाल मुरीदा ना कहना मित्र प्यारे नू कहना मित्र प्यारे नू कहना मित्र प्यारे नू कहना मित्र प्यारे नू कहना हाल मुरीदा ना कहना हाल मुरीदा ना हाल मुरीदा ना कहना हाल मुरीदा ना कहना सार संगत ए संदेश सतगुरु जी के पासों भाई दया सिंह जी ने लिया फिर नमस्कार की महाराज हूँ आग्या बख्शो अपने सेवक नू फिर सार संगत सतगुरु जी ने आग्या की कि जाओ प्यारे दया सिंह जी साडे मालक के चरणों के विच साडी अरजोई साडा यह संदेश पहुँचा देना तुहाडे पिछे फिर साढ़े भी तैयारे ने। हाँ सार संगत जिस तरह आपने आपां विचार कर रहे हाँ कि कितनी नेड़ता सी भाई दया सिंह जी दी सतगुरु जी दे नाल जो कल भी आपां विचार कीती भावें आनंदपुर दीआं रौणकां शिवालक दीआं पहाड़ियां उतों दा रमणीक वातावरण उन्हां दे सचखंड दरबार की शोभा जदों सतगुरु जी अपने संघासन उपर सुशोभित होंदे सीस उपर बड़ा कीमती चंदोआ ताणिया हुंदा चौर बरदार चौर करदा गुरु घर दे रबाबी शांतदायक कीर्तन करदे सनदबद्ध सूरमे शस्त्र वस्त्र सजा के तैयार बर तैयार होकर बैठदे सतगुरां दे सचखंड दरबार की शोभा स्वर्ग दे राजेंद्र दे दरबार नूं भी मात पाउंदी उदों भी भाई दया सिंह जी आप दे नज़दीकी जिनों आनंदपुरी नूं घेरा पिया सिंह भुख दे दुखों कमजोरियां दिखाउण लगे भाई दया सिंह जी उदों भी बड़ी दृढ़ता दे नाल सतगुरु जी दे नाल ये एक प्रीख्या का परचा है गुरु पीर हमेशा ही अपने सिखां दी मुरीदां दी परख वास्ते कसवटियां लाउंदे ही आए ने उन्हां कसवटियां दे उपर आप खरे उतरे कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोए
राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा। भावें सरसा का किनारा एक पासे तुरकां ने और पहाड़ियां ने सारियां सौहां सुगंधां तोड़ के सतगुरु जी दे परिवार उन्हां दे लश्कर दे उपर हमला कर दिता है, दूसरे पासे सरसा चढ़िया है, अगे सरसा पार नहीं किया जा सकता, पानी का प्रवाह बड़ा तेज़ है, पिछे मुड़न का सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, पिछे बेईमान वो अपनियां सौहां सुगंधां तोड़ के चढ़ाई करके आ गए ने। उत्थे भी भाई दया सिंह जी आप दे अंग संग सतगुरु जी भाई दया सिंह नूं कहिंदे ने अमृत वेले, दया सिंह जी सानूं भुख लगी है, सच्चे पातशाह कहड़े वेले भुख लगी है, अगे आपने कदी इस वक्त भोजन प्रसाद पानी नहीं मंगिया, दया सिंह जी सानूं भोजन की भुख नहीं लगी, सानूं भुख लगी है उस कीर्तन की जिहड़ा रोज़ असी अमृत वेले श्री आनंदपुर साहिब सुनिया करते स। श्री आसा दीवार के कीर्तन का वक्त हो गया, वो सार संगत ना उत्थे रबाब ना कोई साज, एक पासे खंडे उपर खंडा खड़क रहा है, तीर तलवारां चल रही ने, और इधर सरसा किनारे बैठे जोटिया के विच भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी उस सतगुरु जी ने श्री आसा दी वार दा कीर्तन सरवण करवा रहे ने। हर कीर्तन का आहरो हर देहो नानक के मीत, उत्थे भी सतगुरु जी दे अंग संग, भावें चमकौर दी गढ़ी जां माछीवाड़े दे जंगल, भावें मालवा देश और भावें इत्थे दक्षण तक, वो सार संगत अंत पर्यंत निभा दिते भाई साहब जी ने सतगुरु जी के चरणों के नाल। वीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ है ओड़, जे किसी इस तरह निभ जावे ना फिर दुनिया की कहड़ी हस्ती उहदा मुकाबला कर सकती है। हीरा किसका बपुरा पुजै ना रतन करो, सेवक की ओड़क निभ ही प्रीत, जीवत साहिब सेव हो अपना चलते राखे हो। आप भी सतगुरु जी के चरणों के अरदास बेनती करिए, साड़ी पीरा नाल मुरीदानी, पीरा नाल मुरीदानी, पीरा नाल मुरीदा थाड़ी पीरा नाल मुरीदा नी, हाँ निमले वाहिगुरु निमले थाड़ी पीरा नाल साड़ी पीरां नाल मुरीदानी, हाँ निवदे वाहिगुरु निवदे साड़ी पीरां नाल मुरीदा, साड़ी पीरा नाल मुरीदा दी, हाँ चल चकोर प्रीत है तार निहाले चाकरी सुर जेत है,
ਆਤਕਵੀ ਠੁਰ ਜਹੇਤ ਹੈ ਮਿਲ ਹੁਣ ਸੁਖਾਲੇ ਨੇਹੋ ਕਵਲ ਜਲ ਜਾਣੀਆਂ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ ਮਾਰ ਪੰਡਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਾਰ ਪੰਡਾਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੁੱਤ ਸੰਭਾਲੇ ਇਰਮਣੀ ਨਾ ਬਿਰਹੜੀ ਇਰਮਣੀ ਨਾ ਬਿਰਹੜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਆਓ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੂਤਰ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਉਪਰੰਤ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ
धन है धन है धन है गुरु रामदास जी धन है। धन है धन है धन है गुरु अर्जन साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु हर गोबिंद साहिब धन है। धन है धन है धन है गुरु श्री हर राय जी धन है। धन है धन है धन है गुरु श्री हर कृष्ण जी धन है। धन है धन है धन है गुरु तेग बहादुर धन है। धन है धन है धन है गुरु गोविंद सिंह जी धन है। धन है धन है धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है। धन है धन है धन है तेरा पंथ खालसा धन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बो सतनाम श्री वाहिगुरु बो वाहिगुरु 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 बो वाहिगुरु 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 बो वाहिगुरु बोल कदे ना डोल वाहिगुरु बोल कदे ना डोल वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा प्यारा लगेगा बोल प्यारिया। वाहिगुरु वाहिगुरु बोल प्यारिया तेरा कितना लगेगा मोल प्यारिया। सतनाम श्री वाहिगुरु बो सतनाम श्री वाहिगुरु बो वाहिगुरु बोल कदे ना डोल वाहिगुरु बोल कदे ना डोल
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਦਿਆ